तो दोस्तों कल का पूरा दिन रहा बजट के नाम। बजट पर हम एक वीडियो आपको शाम को दिखाने वाले हैं। बजट में कुछ अधिक तो मिल नहीं पाया, तो विपक्ष जो है वो मोदी को दूसरी तरीके से घेरने लगा। विपक्ष भी ना कहें, कुछ लिब्रांडूज जो हैं वो मोदी को दूसरी तरीके से घेरने लगे। अच्छी बात है, घेरना चाहिए, लेकिन क्या झूठ की बिसात पर मोदी को कहा गया है बलात्कारियों का साथी? जी हाँ, इस प्रकार के शब्दों की विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। क्या मोदी बलात्कारियों के साथी हैं, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो दोस्तों, अभी परसों ही नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी है सूरत के अंदर, यंगस्टर्स के बीच में जाकर। यंगस्टर्स वहां पर आए हुए थे, उनके बीच में नरेंद्र मोदी ने एक स्पीच दी है। उसका एक अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किया एएनआई ने और ट्वीट लिख दिया, और ट्वीट में कहा कि नरेंद्र मोदी ने सूरत में लोगों के बीच में जाकर ये कहा है कि भाई रेप तो पहले भी बहुत होते थे और रेप आज भी थोड़ी मात्रा में हो रहे हैं, लेकिन आज ये फर्क आ गया है कि हम 3 दिन में 5 दिन में 7 दिन में और 1 महीने के अंदर जो रेपिस्ट है उसको फांसी पर लटका रहे हैं। इस प्रकार का एएनआई का ट्वीट आता है। इस ट्वीट के बाद एक मसाला मिल जाता है लिब्रांडूज को, और झूठी खबरों को पकड़ लेने वाला एक जिन अपनी बोतल से बाहर आता है, जिसका नाम होता है प्रतीक सिन्हा, जो कि ऑल्ट न्यूज चलाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों मोदी पर ना फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में कभी विश्वास मत करना, बड़ा झूठा आदमी है। इस प्रकार से उन्होंने कहने का प्रयास किया है अपने ट्वीट में, अपनी स्टेटमेंट में। इसके बाद आते हैं जो सुखविंदर सिंह के गाने को भी ध्वस्त कर सकते हैं। जी हां, विशाल डडलानी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साबू हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए एक कॉकटेल का काम करते हैं, वो विशाल डडलानी, जिनको दूसरों के कच्छे में झांकने का बहुत शौक है, वो विशाल डडलानी आकर कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी एक आदमी का भी नाम बता दो जो लटका हो एएनआई के ट्वीट के बाद। इसके बाद आ जाते हैं भैया हमारे जो क्रूर सिंह के अय्यार हैं, जिनका नाम है ध्रुव राठी साहब, वो जो सूंघ कर पता लगा लेते हैं कि खबर झूठी है या सच्ची, वो भी इस ट्वीट का सहारा लेकर अपनी रोटी सेक लेते हैं और कहते हैं, अबे मोदी के बच्चे एक आदमी का नाम बता दे जो लटका हो। और इसके बाद आते हैं भैया अभिसार शर्मा जी, जो कि स्टूडियो के अंदर पाए जाते हैं रोहिणी सिंह से भी ज्यादा फाउंडेशन लगाए हुए, वो अभिसार शर्मा जी आते हैं और कहते हैं, वो तो पूरा वीडियो ही निकाल देते हैं इस टॉपिक पर। जी हाँ, इस पूरे टॉपिक पर एक पूरा वीडियो लेकर आए हैं, करीब करीब 1 लाख व्यूज उस टॉपिक पर, उस वीडियो पर हो चुके हैं अब तक। तो वो भी सेम बात कहते हैं कि मोदी एक आदमी का नाम तो बता भाई जिसको लटकाया गया हो। तो ये सारा प्रपंच रचा जाता है लोगों के अंदर एक दुर्भावना पैदा करने के लिए, और इन सभी लोगों ने एक प्रकार से ये कहा है कि मोदी जो है ना बलात्कारियों का साथ देता है। वो कभी कठुआ को ले आते हैं, कभी किसी और को ले आते हैं, जबकि कठुआ में क्या हुआ है वो हम सबको आज की डेट में तो एटलीस्ट पता ही है, लेकिन हम फोकस रखते हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों चलिए धज्जियां उड़ाते हैं इस झूठ की भी। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि दरअसल मोदी ने कहा क्या था। मोदी ने दरअसल ये कहा है कि जो कोर्ट है वो अब 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर पूरी स्टेटमेंट सुना दी है लोगों को फांसी की। ये कहा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, पहले आप सुन लीजिए। इस देश में बलात्कार पहले भी होते थे, समाज की इस बुराई कलंक ऐसा है कि आज भी उस घटनाओं को सुनने को मिलता है, माथा शर्म से झुक जाता है, दर्द होता है, लेकिन आज 3 दिन में फांसी 7 दिन में फांसी 11 दिन में फांसी 1 महीने में फांसी लगातार, उन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और नतीजे नजर आ रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि बलात्कार की घटना तो 7 दिन तक टीवी पर चलाई जाती है, लेकिन फांसी की सजा की खबर आकर के चली जाती है फांसी की खबर जितनी ज्यादा फैलेगी उतना बलात्कार करने की विकृति लेकर के बैठा हुआ आदमी भी डरेगा, 50 बार सोचेगा।
तो दोस्तों बेसिकली नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन और महीने के अंदर सजा मिली है, फांसी मिली है, स्टेटमेंट गई है कोर्ट के द्वारा लोगों को फांसी देने की। तो इसमें कितना सच है, अब हम आपको रिकॉर्ड दिखाते हैं। 35 साल का राजकुमार 5 साल की लड़की से बलात्कार करता हुआ पकड़ा जाता है मध्य प्रदेश के अंदर, 5 दिन के अंदर उसे फांसी की सजा दी जाती है। आसिफ और इरफान डेथ पेनल्टी मंदसौर में दी जाती है, 56 दिनों के अंदर फैसला आ जाता है कोर्ट का मंदसौर से। तौहीद 26 दिन के अंदर फैसला आता है फांसी का, यह भी मध्य प्रदेश के अंदर से आता है जब वो एक 12 साल से कम की लड़की का बलात्कार करता है। जितेंद्र ग्वालियर कोर्ट से 36 दिन के अंदर यानी 36 डेज के अंदर फैसला आ जाता है, फांसी की सजा होती है। इसके अलावा दतिया में 3 दिन के अंदर फैसला आ जाता है रेप केस के अंदर, 12 साल से कम लड़की जो होती है उसका रेप किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर ही एक केस है, 22 दिन के अंदर ये फैसला आ जाता है। जी हाँ, इतने सारे केसेस ये मैंने आपको एक पर्टिकुलर जगह से बता दिए हैं। अब इन लोगों के आइडियोलॉजिकल मित्र जिनका नाम है शेखर गुप्ता, जो कि एनडीटीवी में काम करते हैं या फिर प्रिंट नाम की एक वेबसाइट चलाते हैं, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बता देता हूं। उनकी वेबसाइट के अनुसार करीब करीब 426 लोगों को फांसी हो चुकी है इस लॉ के बाद जो कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट लाई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये द प्रिंट कह रही है। द प्रिंट कौन चलाती है, शेखर गुप्ता चलाते हैं, और शेखर गुप्ता इन लोगों के आइडियोलॉजिकल मित्र प्रतीत होते हैं। अब ये फांसी कैसे दी गई है, अप्रैल 2018 में एक बिल लाया गया, एक अध्यादेश तरीके से लाया गया, उसमें यह बोला गया कि जो भी व्यक्ति 12 साल से कम लड़की का बलात्कार करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये अप्रैल 2018 की बात है। उसके बाद 426 लोगों को फांसी की सजा हो चुकी है। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो आते हैं 2 महीने के अंदर अंदर, यानी 60 दिन के अंदर अंदर फैसला देना होता है, कार्रवाई पूरी करनी होती है और उसके बाद ये फैसला सुनाया जाता है। तो कितने सारे केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, 426 लोगों को फांसी की सजा दी गई है इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के द्वारा। अब ये लोग क्या आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ये लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एएनआई के ट्वीट का। एएनआई के ट्वीट में ये लिखा हुआ है कि मोदी ने ऐसा कहा है कि फांसी पर लटका दिया गया है, जबकि नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट के द्वारा, हमने ऐसा प्रावधान किया है। अब ये लोग हो सकता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस वजह से ये लोग इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं। अब दोस्तों आपको एक और सबूत दिखाता हूं। इन लिब्रांडोज ने खूब जम के झूठ तो बोल लिया, खूब झूठ फैला भी लिया, लेकिन इन्हीं के एक आइडियोलॉजिकल मित्र जिनका नाम है हफिंगटन पोस्ट, उनकी ये पोस्ट देख लीजिए। वो कह रहे हैं मोदी जी भाई बोल तो सच रहे हैं, लोगों को फांसी की सजा तो खूब हो रही है, लेकिन ये ना एक डेंजरस ट्रेंड सेट कर रहा है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मृत्यु दंड है बलात्कारियों के लिए वो नहीं होना चाहिए, वो मोदी ने देकर गलत किया है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि ये मृत्यु दंड के खिलाफ हो सकते हैं। चलिए ये आपकी वैचारिक स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने एटलीस्ट ये तो माना कि नरेंद्र मोदी ने जो बोला है वो सच बोला है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लिब्रांडूज है ना, ये मिलकर झूठ बोल रहे हैं। अब ये कहते हैं हम फैक्ट चेक करते हैं, तो एएनआई के ट्वीट का आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया भैया? आप बड़े बोतल में से जिन्न की तरह निकलते हो, आप अंडे में से अंडे के पीलेपन की तरह निकलते हो, आप क्रूर सिंह के अय्यार हो, तो आपने ये फैक्ट चेक क्यों नहीं किए हैं, मेरे को सिर्फ इतना बता दीजिए। ये वही लोग हैं दोस्तों जो एक 20 साल के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का पता ट्विटर पर सार्वजनिक कर देते हैं, क्योंकि वो एक ट्विटर हैंडल चलाता है, क्योंकि वो इनकी विचारधारा के विरुद्ध है और क्योंकि वो कुछ मीम्स बनाता है जो इनको शायद हजम नहीं होते, जो उसकी विचारधारा है, तो उसका जो एड्रेस है, जो उसकी पिक्चर्स हैं, उनको सार्वजनिक कर दिया जाता है इन लोगों के द्वारा। ध्रुव राठी जैसे लोग जो हैं वो भारत को बदनाम करने के लिए भारत की एक अलग पिक्चर दिखाते हैं और कहते हैं भारत जो है ना वो दुनिया की सबसे अनसेफ कंट्री है, पूरी दुनिया में सबसे अनसेफ है विमेन के लिए, और ये जो स्टेटमेंट है ये उनके गले इस वजह से नहीं उतर सकती। तो इस पूरी फेक न्यूज़ के पीछे पूरे चक्र चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके।
कमेंट सेक्शन के अंदर। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और भैया बेल आइकॉन को तो जरूर कतई दबा लीजिए। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com पर, जिसका एड्रेस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करिए। सारे एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं भैया आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।